अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फोर व्हील्स। आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है मर्सिडीज बेंज E180 एक्सक्लूसिव। इसके अंदर दो वेरिएंट्स आते हैं, AMG एक्सक्लूसिव। ये एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव थोड़ा लग्जरी होता है और इसकी लुक थोड़ी एलिगेंट होती है, और AMG जो होता है वो थोड़ा स्पोर्टी वर्जन आ जाता है। थैंक यू टू सिटी कार सेंटर फॉर मेकिंग दिस रिव्यू पॉसिबल। तो काफी एलिगेंट इसकी फ्रंट लुक आती है। सबसे पहले इसके हेडलैम्प्स में आते हैं, बहुत ही डिसेंट हेडलैम्प्स हैं। यहाँ पे उसके अंदर DRLs आते हैं जो कि कन्वर्ट होकर इंडिकेटर बन जाते हैं, मर्सिडीज का लोगो आ जाता है। LED प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स आते हैं, लो बीम और हाई बीम। नीचे बम्पर में इसके पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, क्रोम आता है। AMG वाली में ब्लैक आउट होता है ये सारा, पियानो ब्लैक में, और ये एक्सक्लूसिव वाली में ज़्यादा क्रोम यूज होता है। काफ़ी खूबसूरत इसकी ग्रिल है क्रोम में और पियानो ब्लैक में। यहाँ पे मर्सिडीज का लोगो आ जाता है। अब मैं इसके इंजन पे आऊँ तो इसके अंदर 1500 CC टर्बोचार्ज इंजन आता है जो कि 154 हॉर्स पावर और 250 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बोनट में इसके अंदर शॉक्स आ जाते हैं, इंसुलेशन आती है। अब मैं इसके साइड प्रोफाइल पे आऊँ, बहुत ही डिसेंट साइड प्रोफाइल आती है। सबसे पहले इसके व्हील्स पे आ जाते हैं, इसके अंदर अलॉय रिम बहुत खूबसूरत आती है। AMG वाले में स्पोर्टी अलॉय रिम्स आते हैं, इसमें 18 inches के अलॉय रिम्स आते हैं, और मिशलिन का टायर आता है। जो इसका टायर साइज है वो 245/45R18 है। लो प्रोफाइल टायर आते हैं। अब इसके साइड मिरर्स में आते हैं, और पियानो ब्लैक और बॉडी कलर साइड मिरर आता है, LED इंडिकेटर आ जाता है। नीचे 360 कैमरा का कैमरा आता है, हीटेड है, और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आता है। यहाँ सारा क्रोम आता है, और साइड मिरर के साथ इसमें पियानो ब्लैक आता है। जो इसका डोर हैंडल है वो बॉडी कलर्ड है, और उसके अंदर सेंटर हैंड लॉकिंग भी आती है। अगर मैं इसकी रेयर प्रोफाइल पे हूँ तो बहुत ही डिसेंट इसकी रेयर प्रोफाइल आती है। सबसे पहले इसके टेल लैंप्स में आते हैं, यहाँ पे उसमें LED बार आता है, LED ब्रेक लैंप आते हैं, और सिक्वेंशियल LED इंडिकेटर्स आते हैं, रिवर्स लाइट भी आती है, बम्पर में रिफ्लेक्टर्स आते हैं, पार्किंग सेंसर्स आते हैं, मर्सिडीज का लोगो आ जाता है, क्रोम की ट्रिम्स आ जाती हैं। और जो इसका नीचे है उसमें दो ड्यूल आते हैं वर्किंग एग्जॉस्ट जिसकी सराउंडिंग क्रोम में है, और नीचे से वो ब्लैक है इसका डिफ्यूजर बम्पर। और जो अगर इसके ट्रंक की तरफ चले तो इसका ट्रंक ऑल द वे अप जाता है। इसके ट्रंक में काफ़ी अच्छी स्पेस आती है, यहाँ पे नेट आ जाती है, थोड़ी स्पेस आती है। और इसके ट्रंक में नीचे स्पेयर व्हील नहीं आता, लेकिन इसकी जो किट है सारी व्हील रिपेयर करने की वो आती है। इसके इंटीरियर में आऊँ तो बहुत लग्जरी इसका इंटीरियर आता है, और एंट्री और एग्जिट काफ़ी अच्छी है। अब इसके इंटीरियर में आए हैं, सबसे पहले इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। काफ़ी स्मूथ स्टार्टअप इसने लिया है। अब इसके इंटीरियर में आए हैं, बहुत ही लग्जरी है। यहाँ पे वुडन की फिनिश आ जाती है। इसके अंदर एक पैकेज आता है डिज़ाइनर पैकेज, वो नहीं है। उसके अंदर यहाँ पे पियानो लाइन्स जा रही होती हैं, और उसका इंटीरियर थोड़ा इससे लग्जरी और होता है। वैसे इसमें यहाँ पे बेज, ब्लैक विद वाइट स्टिचिंग और वुडन की फिनिश आ जाती है। अब इसके इंटीरियर में सबसे पहले हम इसके ड्राइविंग डोर में आते हैं। 3 points आते हैं इसके मेमोरी सीट्स के, इलेक्ट्रॉनिक इसकी सीट्स हैं, एडजस्टमेंट। यहाँ पे बर्मिस्टर का साउंड सिस्टम आता है इसके अंदर। यहाँ पे बूट रिलीज करने का बटन आ जाता है, कप होल्डर आते हैं, और फाइल होल्डर आ जाते हैं। मास्टर कंट्रोल्स आते हैं, और यहाँ पे इसके जो AC वेंट आ जाता है, हेडलाइट्स के कंट्रोल आ जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक आती है इसकी। अब मैं इसके स्टेयरिंग और मीटर पे आऊँ तो इसके जो AMG में आता है वो स्टेयरिंग डी शेप होता है, और इसमें पूरा राउंड है। यहाँ पे मर्सिडीज़ का लोगो आता है, एयरबैग आता है, पियानो ब्लैक में फिनिश आ जाती है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है, और यहाँ पे ऑल मल्टीमीडिया के बटन आ जाते हैं। यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स आते हैं, और जो इसका वो है मीटर, वो पूरी एक स्क्रीन है, और हम उसको उसके स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स आ जाता है, एक क्लासिक आ जाता है, वो उसमें सारा ब्लू हो जाता है। इसमें 5 styles आते हैं मीटर के। इस सेंटर कंसोल में आए इसके तो ड्यूल जोन आगे का कंट्रोल आ जाता है, और यहाँ पे 4 AC vents आते हैं, और 2 और आते हैं इसके अंदर। यहाँ पे 12 inches की स्क्रीन आती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसकी जिसका बहुत अच्छा है रिस्पॉन्स। यहाँ पे उसमें सारे इसके स्क्रीन के कंट्रोल आ जाते हैं, हैजर्ड का बटन आता है, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग आ जाती है, 2 cup holders आते हैं,
और हम इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे सारा पियानो ब्लैक में फिनिश है। अगर मैं इसके इस कंट्रोल्स पे आऊँ, यहाँ पे उसमें पैड आ जाता है और वो बहुत फास्ट है, वो इसकी स्क्रीन को कंट्रोल करता है। यहाँ पे उसमें मोड्स के कंट्रोल आ जाते हैं, चार मोड्स आते हैं, इंडिविजुअल, स्पोर्ट्स, कम्फर्ट और इको। और यहाँ पे उसमें पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने का बटन आ जाता है, यहाँ पे 360 कैमरा का बटन आ जाता है और वो इसका काफ़ी कैमरा क्लियर है। ए ऑफ का बटन आ जाता है। ए ऑफ का ये मतलब होता है जैसे आप सिग्नल वगैरह पे खड़े हैं, ब्रेक छोड़ते हैं और गाड़ी बंद हो जाएगी, और जैसे रेस देंगे तो गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आर्म रेस्ट आता है, वो स्प्लिट में खुलते हैं और उसके अंदर काफ़ी अच्छी स्पेस है, और सी टाइप के पॉट्स आ जाते हैं चार्जिंग के। अगर मैं इसकी पैसेंजर साइड पर जाऊँ तो उसमें ग्लव बॉक्स में मिलते हैं जो कि लॉक भी होता है, उसमें लाइट भी आती है, एयरबैग भी आ जाता है और थ्री मेमोरी सीट्स के बटन आ जाते हैं। यहाँ पे रियर व्यू मिरर आता है, रीडिंग लैंप्स आते हैं, यहाँ पे गॉगल्स होल्डर आता है और सनरूफ के कंट्रोल्स आ जाती हैं। यहाँ पे जो इसका सन वाइजर है उसके अंदर वैनिटी मिरर आता है लाइट के साथ। इसके अंदर टोटल 7 एयरबैग्स आते हैं, पिलर में भी आते हैं, नीज में भी आते हैं और यहाँ पे स्टेयरिंग में और डैशबोर्ड में भी आते हैं। अगर मैं इसकी एम्बियंट लाइटिंग की बात करूँ तो इसके अंदर काफ़ी कलर्स आते हैं इसकी एम्बियंट लाइटिंग में, ओशन ब्लू, और इसके अंदर बहुत सारे कलर्स आते हैं, मल्टी कलर्स की भी ऑप्शन आ जाती है हमारे पास। इसकी ब्राइटनेस की भी ऑप्शन आ जाती है और भी इसमें काफ़ी फीचर्स आते हैं इसकी स्क्रीन में। अगर मैं इसके कंफर्ट की बात करूँ, बहुत कंफर्टेबल है, इसकी जो सीट्स हैं वो एडजस्टेबल हैं इलेक्ट्रिक। और मैं इसकी रियर सीट्स पे आऊँ तो एंट्री वाला एग्जिट काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले इसके रियर डोर पे आते हैं, बर्मिंस्टर का पीछे भी साउंड सिस्टम है, एम्बियंट लाइटिंग पीछे भी है, एटमॉस्फेयर लाइट्स भी हैं, डोर हैंडल में भी आती है लाइट, ऑटो तो इसकी रियर जो है पावर विंडो आती है, जो इसका कप होल्डर है उसमें भी लाइट आ जाती है, इसके अंदर सन शेड्स आते हैं, ऊपर रीडिंग लैम्प्स आ जाते हैं, यहाँ पे स्पेस आती है फाइल होल्डर टाइप, और यहाँ पे पीछे दो छोटे छोटे से कब वो आ जाती हैं एसी वेंट्स। तीन हेडरेस्ट आते हैं, सेंटर में आर्मरेस्ट आ जाता है जिसमें स्पेस है, और कप होल्डर्स आते हैं दो पीछे भी, ताकि इसके अंदर सनरूफ आता है लेकिन खुलता सिर्फ अगले वाला है।